पहचाने में आपको कहना थैंक करूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच. प्लीज प्लीज आप ये मुट्ठी बंद कर दीजिए. सिगरेट हाउस क्या हुआ? वो मर गई. मर गया? कैसे? मैंने जो दवाई बनाई थी, यू नो आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट, उनकी दो बिल्लियां थी. जब भी वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ये दो बिल्लियां आकर दरवाजे पर स्क्रैच करती थी. बार बार आइंस्टाइन को अपने एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ करके दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ता. तो एक दिन उन्होंने एक काम किया, दरवाजे में दो छेद बनाए. बड़ा छेद बड़ी बिल्ली के लिए और छोटा छोटी बिल्ली के लिए. अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट माइंड, लेकिन उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि बड़े छेद में से छोटी बिल्ली भी तो आ सकती है. पर वो मरा क्यों? जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, सबसे पहले ये सिखाते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज चेक करो, यू नो पीएच वैल्यू वगैरह वगैरह. मैंने सॉल्यूशन बनाया लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेक की. कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज्यादा हो गया, प्लस वो आदमी दारू पिया हुआ था, बैड मिक्स, मर गया. फिर? नहीं, फिर मैंने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, उसके प्रॉपर्टीज चेक किए, और तभी मुझे दूसरा आदमी. अरे सिगरेट फेंक रहे चमन, चल पकड़ ले पकड़ ले. ये आया बापू आया. अरे गोली मार भेजे में. क्यों? क्या सॉलिड फिल्म बना ली बापू? सत्या मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे, भीकू मात्रे. हाय कोई, हाय कोई. क्या बस कर, बस कर. अपना परिंदा के अंडा के सामने में कुछ नहीं है. वो कुछ नहीं है. तेरे अंडे के दिन गए अभी. अपना भीकू मात्रे एकदम पंटाक, बाकी सब बकवास. क्या क्या बात करता है? इसका एक्टिंग देखा क्या? बेबी को मार दिया, बच्चे को मार दिया. है कुछ, है कुछ? क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. भीकू मात्रे का टाइम आया अभी. ये चल चल, क्या पर्सनैलिटी उसकी सॉलिड. अबे पर्सनैलिटी उधर मिलेगी ना जा. भाई साहब टाइम क्या हुआ? 1:15. डेढ़ तो नहीं बजे ना? नहीं तो ठीक है. ए भाई अपने को बात बता, सत्या का भीकू मात्र हिट है कि परिंदा का? मैं फिल्में नहीं देखता. है? मैं फिल्में नहीं देखता. पिक्चर नहीं देखता है? पोपट लगता है. अच्छा बोल बे, एक आदमी के कंधे पे पोपट बैठा हुआ मर गया, बोल काय को. मैं बताऊं? चुप, बोल ना. क्यों? क्योंकि उस हाथी के नाम पोपट था. कहाँ रहते तुम लोग? घर में रहते. घर कहाँ है तुम्हारा? उधर अपना पुलिस लाइन में. मैं अंधेरी ईस्ट में. अंधेरी ईस्ट में किधर? तक्षशिला. मैं उस तरफ भी जा रहा हूँ, छोड़ दो. चल कल दुकान पे 9 बजे. क्या ना, अपनी अपने वापस जमती नहीं. वो भगत आता अपना एक. आपने बोला और वो मान गया? हाँ. फिर समय लगा उसे समझाने में. मैं समझ गया, तू मेरे को बलि का बकरा बनाएगा.
और मेरे को खाली 25%। क्यों और चाहिए? नहीं तो क्या चमन समझ के रखा है? 75। ठीक है। बहुत जल्दी मान गया तू? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? देखो जबरदस्ती नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो आप जा सकते हैं। भाई साहब मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। भड़कता गाय को यार। चल पक्का? हाँ बिल्कुल 75। हाँ ठीक है। इस पे जरा साइन कर दो बस। ये क्या है? ये फॉर्मेलिटी है, इसमें लिखा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो तू जिम्मेदार नहीं। हाँ फॉर्मेलिटी है। मेरे को कुछ होएगा मतलब तूने मेरे पे कुछ तालाकांडी किया तो तू जिम्मेदार नहीं। देखो मेरे पे भरोसा रखो, मैं अब मेरी बात सुनेगा तू? तूने मेरे पे कुछ तालाकांडी किया तो तू जिम्मेदार नहीं, मतलब मेरे को कुछ होएगा? ये ऐसा करना पड़ता है। ये पर काय को लाया? ऐसा करना पड़ता है, तू मेरे को पहले क्यों नहीं बोला? भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट का मैंने वो जो प्रूफ। मेरी बात सुन, जान तो मेरी जाएगी ना? फिर साइन किया उसने? नहीं यानी देख भाई, अगर अपन मर गया ना, वैसे मेरा बाप से मेरा जमता नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया तो तेरा कॉलर पकड़ने को आएगा वो। और मैं भी भूत बन के सताऊंगा तेरे को। चल लगा इंजेक्शन लगा। हाँ ये सब क्या है? क्या लगता है? ड्रग्स लेते तो प्रॉब्लम है? नहीं 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 अभी लिए क्या? What happened? वो भी मर गया। मर गया? कैसे? उसने मुझसे झूठ कहा था, उसने ड्रग्स लिया था। He was high on cocaine. God. फिर? फिर क्या? पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया, उनके घर वालों ने मिसिंग FIR लॉन्च कर दिया। आखिरी बार उन लोगों को मेरे साथ देखा गया था। उनके दोस्तों के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पुलिस ने कोई स्केच बनाया जो कि मेरी तरह नहीं लगता था, बट इट वॉज देयर ऑल ओवर द टाउन। मेरे घर के नीचे भी एक लगा हुआ था। एक महीना मैं घर से बाहर नहीं निकला, अपनी मुछे बढ़ा लिया और फिर से तलाश करने लगा ऐसे आदमी का जो अकेला हो, जिसका कोई ढूंढने वाला नहीं। महाकाली लेके जाएगा तू ना? ए चल है? ए तू चुप कर। ए चलना अभी चलना लेके जाएगा तू? जा रहे थे पास कहीं का। आओ।